तो वेलकम बैक टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज इफ़ यू हैव इन मेट मी बिफोर मेरा नाम साइमा नदीम है मैं पाकिस्तान से हूँ करंटली आई एम वर्किंग हीर इन द यू के तो आज की वीडियो जो है हिना आबास के लिए है प्रीवियस वीडियो भी हिनाबास के लिए थी उन्होंने बोला कि आप, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करें अपने डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको हो रही कोई स्ट्रगल्स तो नहीं है ठीक है तो ये हम इस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर आप रिटर्निंग व्यूवर हैं तो थैंक यू सो मच अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपकी यूके नर्सिंग के बारे में कैसे आप यूके में आके नर्स के तौर पर काम कर सकते हो इसका प्रोसेस क्या है तो ये सब बातें हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब सुनने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ठीक है तो जैसे मैंने बताया आज का टॉपिक हम मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे मुझे डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई जब मैंने ज्वाइन किया क्या था क्या स्ट्रगल्स हो सकती हैं आपको जब आप एज अ नर्स जब आप नए होते हो तो यूके में काम करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ठीक है तो हम दो तीन बातें डिस्कस करेंगे पहला ये है कि जब आप आते हो तो आपके लिए एनवायरनमेंट का डिफरेंट होता है आपको जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपने एडजस्ट करना है एक तो यूके वेदर के साथ एक तो अपने डिपार्टमेंट में दूसरा आप जहाँ पे रह रहे हो अपनी अकोमोडेशन में ठीक है तो सब जगहों पर आपने खुद को कैसे एडजस्ट करना है और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो है अपनी अपना भी ख्याल रखना है अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है और खाने पकाने का भी ख्याल रखना है शॉपिंग भी करनी है ग्रोसरी भी करनी है तो जब आप आते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको ओवरवेलमिंग लगता है आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप मैनेज करते हो अगर आप प्लान करते हो तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता आपको सिर्फ क्या करना है आपको अपनी नेचर ऐसी बनानी है कि आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकें चीजों को आप बहुत जल्दी सीखने वाला जो है आ, काम करना है अपने के अपने डिपार्टमेंट में भी हो तो बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को पिक करना है ठीक है कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने फौरन किसी से पूछना है गलत करने के बजाय फौरन किसी से पूछना है और या आ, कोई अवेलेबल नहीं है तो ऑफकोर्स आपके एरिया में नर्स इन चार्ज होगी तो आप उससे पूछ सकते हो यह मेरी सबसे पहली एडवाइस थी अब हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में Oh. <laughs> बहुत टाइम हो गया अब तो दो साल होने वाले हैं तकरीबन अः दो साल हो गए मैं 19 जनवरी 19 जनवरी 2021 को आई थी ठीक है हाँ तो थोड़े दिन में दो साल हो जाएंगे ठीक है तो जो है मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस अगर आप ओवरऑल कहें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस यूके नर्सिंग में यूके में आके नर्स बन के काम करने का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है एंड देन ऑल द जो है इसका क्रेडिट जो है हमारी मैनेजमेंट टीम को जाता है और मैं उनको बताना चाहती हूँ मैंने उनको बताया भी है काफ़ी दफ़ा मैनेजमेंट टीम जो है बहुत अच्छी है मैनेजर्स हमारी बहुत अच्छी हैं इंचार्जेस बहुत अच्छी हैं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा बट मी टेल यू बहुत ज्यादा लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती है एडजस्ट होने में इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में? लीग हैं जो कि मेरे साथ ही आए थे मेरे बैच के थे लेकिन उनका बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस भी है लेकिन बैड एक्सपीरियंस क्यों होता है हमारी मैनेजमेंट की वजह से अगर आपके मैनेजर्स आपके इंचार्जेज अच्छी नहीं हैं तो अच्छी नहीं है मतलब कि कुछ लोग रेसिज्म भी करते हैं कुछ लोग फेवरेटिज्म भी करते हैं और कुछ लोग वैसे ही अगर आपको नहीं पसंद कर रहे तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते राइट तो ये जो बातें हैं आ, हो सकती हैं वर्क इन वर्क की जगह पे काम की जगह पे ये बातें हो जाती हैं और इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है कि पहले मंथ्स में आपने कैसे सरवाइव करना है और क्या क्या होता है इस पर मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी कि जो आई क्राइड इन दैन एनएचएस तो वो भी आप देख सकते हैं तो जब मैं आई थी तो पहले दिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत बुरा था पहले दिन सिर्फ ठीक है उसके अलावा सही था तो पहले दिन क्या हुआ कि जो मैं ड्यूटी पे गई उन्होंने जाते ही है जो हैंड ओवर दे दिया हम हैंड ओवर काउंटर पे खड़े हैं रिसेप्शन पे हैंड ओवर कर रहे हैं वो जो नाइट्स वाली स्टाफ थी वो हैंड ओवर दे रही हैं सारे पेशेंट्स का बताया उन्होंने पेपर हाथ में दे दिए और कहा ये आपकी टीम है इस टीम में आपने जाना है और यहाँ पे आपके पास दस पेशेंट्स हैं और आपने उनका सारा काम करना है अब मैं पहला दिन कोई मुझे पता नहीं है कि जो मेरी टीम में वो पेशेंट्स आया किधर ये भी नहीं मुझे पता और यहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स हैं मेरी मेडिकल वार्ड में ड्यूटी लगी हालांकि मुझे असाइन उन्होंने सर्जिकल डिपार्टमेंट पे किया था ड्यूटी उन्होंने मेरी मेडिकल वार्ड में लगा दी तो मेडिकल वार्ड में अब जाहिर बात है मेडिकल पेशेंट्स होंगे तो दस पेशेंट्स उन्हें दिए ही आपकी टीम है इधर आपने नर्स के साथ साथ काम करना है तो हम दस पेशेंट में एक नर्स एक हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर और एक मैं बैंड थ्री तीन लोग दस पेशेंट्स तो जो है उन्होंने आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं है तो वो शुरू में ही हैंड ओवर के टाइम में ही आपस में बातें करने लग गई स्टाफ शॉर्ट है ये है वो है और ये फिर भी हमें स्टाफ डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना पड़ रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस बारे में शॉर्ट स्टाफिंग के बारे में सुबह सुबह ही तो इस वजह से उन्होंने मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया वोड इधर उधर नहीं दिखाया तीसरे दिन जाके उन्होंने मुझे दिखाया कि ये हमारी वार्ड है यहां पे स्टाफ रूम है यहां पे टॉयलेट है ये रूम्स हैं और टीम वन है तो उसमें कौन से पेशेंट्स हैं टीम टू है तो कौन से रूम है ये सारा उसने उन्होंने मुझे दूसरे तीसरे दिन जाके बताया तो जो पहले दिन है तो वो तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है किधर जाना है और किधर तो मुझे नहीं। समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या काम करना है क्या नहीं तो नर्स ने बताया कि आप जो हेल्थ केयर असिस्टेंट है ना इसके साथ साथ ही आपने रहना है तो मैं उसके साथ साथ ही वो मेरे आगे आगे मैं उसके पीछे पीछे दस पेशेंट हैं ठीक है उनके सारे काम करने हैं उनको पर्सनल हाइजीन पर्सनल केयर करनी है बात देने हैं बेड बाथ ज़्यादातर इधर होते हैं बेड बाथ करके उनके पेपर्स पे डॉक्यूमेंटेशन करनी है इंटेंशनल राउंडिंग करनी है तो उसके बाद जो है लंच देना होता है ब्रेकफास्ट देना होता है सबसे पहले ये सारे काम होते हैं तो उसने मुझे क्या कहा है कि आपने ना इसके साथ साथ ही रहना है अब शुरू आठ बजे हैं तो वो हेल्थ केयर मुझे कहती है कि यह यहाँ पे लाइन में लग जाए हमारे साथ तो हमने ना ब्रेकफास्ट लेके तो पेशेंट्स को देना है उनका ऊपर पेशेंट का बेड नंबर लिखा हुआ है ठीक है ये हमने ब्रेकफास्ट सर्व किया ब्रेकफास्ट सर्व करके तो जैसे ही उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो हमने उनके ट्रेज उठाए हैं तो उसके बाद वो कहती है कि अब हमने ना वॉशिंग शुरू करनी है वॉशिंग शुरू करनी है वॉशिंग करते करते एक, एक नंबर बेड से शुरू हुए दस नंबर बेड तक जाना है दसों पेशेंट के बेड वॉश करना बॉडी वॉश करनी है बॉडी वॉश करके पर्सनल हाइजीन करके बेडिंग चेंज करके तो हमें तकरीबन बारह बज गए इतनी बिजी ज्यादा ड्यूटी तब वो क्या कर रही थी हेल्थ केयर स्पोर्ट वर्कर जो मेरी थी एक पेशेंट मेरे साथ वॉश करा के उसने मुझे बता दिया कि कैसे करना है क्योंकि मुझे पता है बैक होम तो हम जो है बॉडी वॉश नहीं करते बैब. बेड बाथ नहीं देते ज्यादातर तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे करना है और जो क्या करना है तो उसने मुझे सारा बताया कि हमने बेड बाथ कैसे देना है और क्या उसका नाम है बेडिंग बेडिंग का तो मुझे पता था बेडिंग कैसे करते हैं तो एक पेशेंट वॉश करा के तो वो शुरू करा के नेक्स्ट पेशेंट तो गायब हो जाए नेक्स्ट पेशेंट शुरू करें फिर वो गायब हो जाए तो उसका काम ऐसे ही चल रहा था क्योंकि वो मुझे पेशेंट के पास छोड़ जाती थी और ख़ुद गायब हो जाती थी तो मतलब के उसका काम भी मैं कर रही थी तो दस पेशेंट मैंने वॉश किए मुझे तकरीबन बारह बज गए हैं तो वो बार बार आए तो कहे okay, साइमा इज इट डन इज इट डन तो मैं जो बच्चारे बच्चों की तरह यस 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 करते रही तो बहुत ज्यादा बिजी रही बारह बज गए ठीक है उसके बाद जो है वो मुझे कह रही है कि बेड बात कर ली है आपने तो कैथेटर नहीं एम एंट, किए तो मैं इतना शौक हुई मैंने कहा कैथेटर एम करना मेरा काम तो नहीं है मतलब मैंने दिमाग में सोचा कि ये मेरा काम तो नहीं है तो ये मुझे क्यों कह रही है तो मैंने मुझे पता भी नहीं था कैसे करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैथेटर बैग्स हैं ना वो थोड़े डिफरेंट हैं तो कैथेटर बैग डिफरेंट है तो कह रही है उसने बोतल मुझे लाके दी तो कह रही है कैथेटर बैग करना है तो मैंने उससे कहाती तो है यू उसने मुझे बताया कि इसको कैसे एम करना है ठीक है तो उसके बाद जो है ना एक मैंने एम किया तो मैंने उसको कहा मुझे भूख लगी है मैंने ब्रेक पे जाना है तो उसने मुझे ब्रेक पे भेज दिया कह रही है ठीक है ये टाइम हो गया तो इस टाइम पे आपने वापस आना है मैंने कहा ठीक है क्योंकि मेरा पहला दिन था मुझे एडजस्ट होने के लिए मतलब थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि काम जो है नर्सिंग का कुछ भी नहीं कर रहे थे सारा जो है ये पर्सनल हाइजीन केयर ये वो ऐसे ही काम कर रहे थे उसके बाद लंच सब किया सारा दिन गुजर गया घर आके मैं इतना रोई इतना रोई आई कॉल माई हस्बैंड के मैंने नहीं काम पर जाना ये वो तो जो है पहला दिन जो मेरा था वो ऐसा था बहुत ज़्यादा मुश्किल था बट फॉलोइंग डे जो है उन्होंने मेरी नर्स के साथ ड्यूटी लगा दी तो नर्स ने मुझे बताया कि कैसे मेडिकेशन हम करते हैं और आपके काम क्या 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 हैं क्या क्या, क्या क्या काम है आपने ओब्स करने हैं आपने मेडिसिन करनी है स्किन चेक करने हैं तो उसने सारा मुझे समझाया तो सेकेंड डे वॉज नॉट दैट बैड तो इसी तरह चलते चलते रहे ठीक है दूसरे तीसरे चौथे दिन मुझे समझ आ गई कि मेरे काम कौन से हैं और मैंने क्या क्या सीखना है और मुझे किन किन कामों में ज्यादा इंटरेस्ट होते तो आपको तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है एडजस्ट होने में और ये भी आपको नोट करना कि आप काम किसके साथ कर रहे हो बाज कुछ लोगों की आदत होती है कि काम शुरू करा के खुद गायब हो जाते हैं तो आपने अगर आपने सीखना है तो आप उस बंदे के साथ साथ रहें उसको कहें मुझे बताए और कैसे करना है क्या नहीं करना है या आपको अगर नहीं पता तो आप उससे पूछें आप नर्स से पूछें नर्स इंचार्ज से पूछें कि वो बंदा था मेरे साथ तो किधर गया मुझे समझ नहीं आ रही या कुछ भी जो भी बात है आप आप डायरेक्टली नर्स इंचार्ज से कर सकते हो या अपनी नर्स से कर सकते हो बहुत ज्यादा लोग कामचोर भी होते हैं तो यू नीड टू नो दिस यू नीड टू जो समझना आपको समझना पड़ेगा कि ये बंदा है इसके साथ मेरी ड्यूटी है तो ये कैसा बंदा है उसके जो है बिहेवियर को समझें उसके काम को समझें और जो है जो जो आपको लगे कि सही काम कर रहा है उससे लर्न करें हमेशा ठीक है तो पहले दो तीन दिन मुझे एडजस्ट होने में मुश्किल हुई थी लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गया उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या अपने काम करने हैं और कैसे आपने जो है अपने आप को क्या उसका नाम है एडजस्ट करना है वार्ड के हिसाब से और प्रायोरिटीज क्या है वार्ड की और पेशेंट्स की तो ये डिपेंड्स मेरी मेडिकल वार्ड में ड्यूटी है तो मुझे ज्यादा उसके बाद मुश्किल नहीं हुई पहले दिन ही मेरा मुश्किल था पहला दिन ही डिफिकल्ट था उसके बाद तकरीबन मैं छः मंथ मेरे मुझे हुए थे तो उन्होंने मुझे नर्सिंग चार्ज बनाना शुरू कर दिया तो जो है मुझे काम को समझ अगर आप काम को वाइडर पिक्चर से देखेंगे तो आपको काम की ज़्यादा समझ आती है तो जब मुझे नर्स इन चार्ज की ड्यूटी देना शुरू कर दी उन्होंने तो मुझे ज्यादा ज़ ज़ से ज़्यादा सीखने की जरूरत थी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेती थी कि ये काम है तो कैसे है ये मुझे पेशेंट को प्रॉब्लम है तो मैंने क्या करना है तो जो है ज़्यादा तब शुरू के दिनों में मैंने नाइट भी की है तो नाइट में उन्होंने ना मुझे नर्सिंग चार्ज बनाना शुरू किया और जो है हॉस्पिटल एट नाइट से कॉन्टेक्ट करना होता था या डॉक्टर्स के से कॉन्टेक्ट करना होता था वो आते थे तो डायरेक्टली मुझसे बात करते थे दूसरी नर्सेस की से बात करने की नस्बत तो मुझे इसके लिए इसलिए मुझे ज़्यादा जो सीखने में बहुत ज़्यादा अडोप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुई मुझे जल्दी मुझे जो है समझ आना शुरू हो गई कि काम हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट आप मैनेजर्स से बात करते हो जब आप इंचार्ज की ड्यूटी करते हो तो मैनेजर्स जो होती हैं या किसी और डिपार्टमेंट की मैनेजर होती हैं या मेटरन होती है वो डायरेक्ट आपसे बात करती है क्योंकि आप इंचार्ज हो शिफ्ट के तो जब वो मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे थे तो मुझे इजी हो गया काम को समझने में और पेशेंट केयर देने में भी मुझे थोड़ा इजी लगने लग गया अगर आपको ऐसी अपरचुनिटी मिलती है कि आपको नर्सिंग चार्ज बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें ना 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 किया करें आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करें और इसके ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ठीक है तो जब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया तो जो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे एडजस्ट होने में ज़्यादा इजी हो गया और जो वार्ड के काम है वो तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप बैक होम भी वही काम करते हो यहाँ आके भी वही काम करते हो ओब्स करते हो पेशेंट केयर करते हो या मेडिसिन देते हो मुश्किल थोड़ा ये होगा कि अगर आप उधर हम पेपर पर पे काम करते हैं मेडिसिन का यहाँ पर चैटिंग करते हैं यहाँ पर हम डिजिटली करेंगे यहाँ पर हम कंप्यूटर पर करेंगे ये थोड़ा डिफरेंट है पेशेंट केयर सेम ही है ओब्स करना सेम ही है ठीक है और जो है ज्यादा जो है यहाँ पे प्रेशर अल्सर्स का है ड्रेसिंग्स का है वो थोड़ा डिफरेंट है वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा तो अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप आएं यूके में काम करें और जो है अपने करियर में आगे बढ़े अब एक साल मुझे हो गया तो मैंने हमारी बैंड सिक्स की पोस्ट आई मैंने अप्लाई नहीं किया मुझे पता नहीं चला था कि पोस्ट थी अब तकरीबन मुझे जब डेढ़ साल हो गया तो पोस्ट आई अगेन बैंड सिक्स की तो मैंने अप्लाई किया मेरा हो गया अब मैं बैंड सिक्स हूं सिस्टर हूं यहां पे एनएचएस में तो जो है अगर आप खुशी से सीखते हो जल्दी सीखते हो अगर आप फास्ट लर्नर हो कॉन्फिडेंट हो कॉम्पिटेंट हो तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी और आपके लिए एडजस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी होगा और जो है आपने यही करना है आपने जल्द से जल्द चीजों को सीखना है हेजिटेंट नहीं रहना ठीक है अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल हो रही है तो आप उसके लिए ट्रेनिंग बुक करें बहुत ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग अवेलेबल है एन स्टाफ के लिए आप अपनी मैनेजर से बात करें अगर आपको मूविंग हैंडलिंग में मुश्किल हो रही है मैनेजर से बात करें अगर आपको सीपीआर करने में मुश्किल हो रही है मैनेजर से बात करें तो वो आपको उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए बुक कर देगी ठीक है तो आपने परेशान नहीं होना जो जिस भी काम में आपको मुश्किल हो रही है या आपने मैनेजर को बताना है कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता आपने मैनेजर को बताना है वो आपको ट्रेनिंग दे देगी ट्रेनिंग के लिए बुक कर देगी आप वो ट्रेनिंग लेते हो तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपने सिर्फ उनको ये कहना है कि मुझे इस काम करने में ये काम करने में मुश्किल हो रही है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे उस पर्टिकुलर काम के लिए ठीक है ये है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है और आपने ये करना है दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी काम की समझ नहीं आ रही तो आपने बताना है उनको मैनेजर को सुपरवाइजर को बताना है उनसे पूछना है ठीक है पूछने से जो आपने घबराना नहीं है चाहे वो छोटी से छोटी बात है आपने पूछना है अगर आपको किसी उन्होंने आप पेशेंट ने आपसे कुछ बोला आपको समझ नहीं आई तो तब भी आप अपनी नर्स को बता सकते हो कि पेशेंट इज सेइंग समथिंग बट आई डिट क्वाइट गेट इट या मुझे इसकी समझ नहीं आ रही तो भी आप किसी को बता सकते हो तो वो आपकी हेल्प कर देंगे अगर फिर भी आप उनको बताना नहीं चाह रहे या आपको शेम फील हो रहा है तो आप पेशेंट को कह सकते हो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट मोर तो वो आपको अच्छे से बता देगा कि उसको क्या चाहिए और वो मतलब कि उसको आपसे क्या काम है ठीक है इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर जो है फ्रेजे इस्तेमाल करते हैं हम जो है एकेडमिक इंग्लिश पढ़ के आए होते हैं तो यहां पे स्लैंग लैंग्वेज ज्यादा चलती है और इनके अपने ही फ्रेजेस हैं अपने ही सेंटेंसेज हैं जो कि बाजूकात समझ नहीं आती तो अगर आपको समझ नहीं आ रही आप उसको गूगल कर लें ठीक है या पेशेंट को कहें कि कैन यू प्लीज टेल मी अगेन या पार्डन मी तो वो आपको रिफ्रेश करके बता देगा या किसी और आ, कोई और सेंटेंस इजीली बना के आपको बता देगा उनको भी पता है आप ओवरसीज हो आपको मुश्किल हो सकती है इंग्लिश में आपको हो सकता है वो समझे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है शुरू में ये प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ मुझे समझ नहीं आई थी एक दफा शुरू शुरू में मैं नहीं थी तो एक पेशेंट ने मुझे कहा कि स्पेंड अ पैनी कैन यू हेल्प मी तो मैंने कहा क्यों वाई डू यू नीड अ पैनी <laughs> तो मुझे नहीं पता था इसका ये मतलब है कि उसने टॉयलेट जाना है ठीक है उसने वॉशरूम जाना है उसको यूरिन आया या उसको भी आई है या उसने नंबर टू जाना है तो मुझे इसका नहीं पता था ठीक है तो मैंने उसको बोला कि वाई डू यू नीड अ पैनी वट डू यू वॉन्ट टू बाय तो कह रही है कि आई नीड टू गो टू द टॉयलेट पेशेंट कहती है आई नीड टू गो टू द टॉयलेट तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको बताएं कि मुझे सॉरी वट डू यू मीन तो वो आपको एक्सप्लेन करके बता दे देंगे अब अगर मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है बट अगेन गाइज ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है मिस्टेक्स हो सकती हैं ठीक है uh, जो है हम गलतियां करते हैं और इन गलतियों से ही हम सीखते हैं तो इफ समन इज सेंग अगर कोई आपको कह रहा है आई वॉन्ट टू स्पेंड अ पैनी इसका मतलब है मैंने टॉयलेट जाना है ठीक है और आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू गो टू द लू इसका यही मतलब है मैंने टॉयलेट जाना है ठीक है तो मैंने उससे पूछा वाई डू यू नीड अ डू यू नीड अ पैनी अब मैं अगर सोचू तो मुझे इतनी हंसी आती है वाई डू यू नीड अ पैनी वट यू वॉन्ट टू बाय एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग ऑल्सो शी सेड दैट पेशेंट वॉज रियली गुड शी वॉज सो काइंड शी सेड आई नीड टू गो टू द टोयलेट उसने मेरे कान में करके ना इतनी ओल्ड एज थी आंटी uh, तो उसने मेरे काम कान में करके कहा आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट तो उसको मैं टॉयलेट के लिए ले गई बट अगेन यही मैं कहना चाहूंगी इंग्लिश में मुश्किल हो सकती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है और देखो ये हमारे लिए अच्छा अब मैं इस बारे में सोच रही हूं तो मैं हंस रही हूं तो इसी तरह आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो और जो है आपके लिए हंसने की रिजल्ट तो यही मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल इट्स रियली गुड आप कैरियर में प्रोग्रेस करते हो आप सीखते हो आप अच्छा कमाते हो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है तो आप अगर इंटरेस्ट ड हो यू के आने में तो मैं आपको यही कहूंगी गो अहेड कोई भी एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो या बुरा आप उससे सीखते हो और उसमें आपके लिए अच्छा होता है फ्यूचर में कुछ ना कुछ उस बात का मतलब होता जरूर है आपके सीखने के लिए और आगे लाइफ में जाने के लिए तो यही था आज का टॉपिक मेरा एक्सपीरियंस मेडिकल वार्ड में ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर बाय गॉड ब्लेस यू